Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Luqman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer three types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Luqman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Hello everyone, my name is Shruti Raj Lakshmi and I've secured rank 25 in UPSC CSE 2021. इस वीडियो के थ्रू आई विल डिस्कस दैट हम लोग बेसिकली एग्ज़ाम के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं. बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई विल बेसिकली गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ. सो आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम जमशेदपुर एंड दिल्ली एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT BHU वाराणसी. I've also worked at a company called Goldman Sachs in Bangalore for 8 months and thereafter I started my preparation for UPSC CSE. So a lot of my preparation happened in my home itself. Meri bahut sari taiyari yahin par hui thi to mujhe bahut zyada guidance nahi tha ki kaise start karna hai kya start karna hai. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हमारे जो पुराने टॉपर्स रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजीज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि दे ऑल एडवाइज ऑन मेकिंग देयर ओन नोट्स, कि अपना नोट्स बनाना है और उसको रिवाइज करना है और एग्ज़ाम देना है. पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक्चुअली कोई आइडिया ही नहीं होता कि नोट्स होते क्या हैं. सो स्पेसिफिकली मेरे साथ यही हुआ कि मेरी पूरी टेक्निकल लाइन में मेरा ग्रेजुएशन रहा है, इंजीनियरिंग में रहा है, पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ थी. तो इसीलिए ये आई थिंक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा कि एक्चुअली नोट्स में होता क्या है, स्पेशली अगर आप साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में आ रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज़ के नोट्स बनते कैसे हैं. तो थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत कन्वे कर सकूं जो भी मैंने नोट मेकिंग प्रोसेस के बारे में सीखा है. अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी डायनामिक प्रोसेस. आपको डे वन से कोई परफेक्ट नोट्स बनाने नहीं आ जाएगा. मेरे भी बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स और बहुत ही बेकार की चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, वो सब मेरे स्टार्टिंग के नोट्स में आते थे. बट ओवर दी प्रोसेस जो है मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली नोट्स में क्या होता है एंड बेसिकली आई एम टू पास ऑन दोज लर्निंग्स. सो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए मेंस के. उससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है. अगर आपको पता नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे. आपको पता नहीं होगा ना कि क्या चीज़ को समराइज करना है. सो इफ़ यू सी दोज क्वेश्चंस, आपको पहली बात जो पता चलेगी कि क्वेश्चंस जनरली आर ऑन दी लाइंस ऑफ दे आर एनालिटिकल क्वेश्चंस. तो आपसे किसी चीज़ का जो है बेनिफिट्स पूछा जाएगा, किसी चीज़ में क्या इशू है पूछा जाएगा, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने किया क्या है. तो नोट्स भी आपके इन्हीं सब हेडिंग्स के अंदर बनते हैं. इफ़ फॉर एग्जांपल कोई नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, तो हमें क्या फोकस करना है कि उस पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं. हमें बहुत डिटेल में फ़ीचर्स नहीं जानना है, हमें बस 5-6 फीचर्स के को नोट डाउन कर लेना है बहुत शॉर्ट में कि इससे क्या चेंज हुआ और जो कि बेसिकली उसको कवर कर दे. पांचों फीचर्स जो है वो अलग अलग डायमेंशंस को टच करते हुए हों तो बेटर होगा. और उसके अलावा वी हैव टू देन एनालाइज कि इसका बेनिफिट्स क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा अलग अलग लोगों को. एक ही इशू को डेप्थ में मत कीजिएगा. नोट डाउन 5 or 6 पॉइंट्स कि इससे जो है अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग लोगों को क्या फ़ायदा होगा, है ना. यही आपके बेनिफिट्स में आ जाएंगे. अब हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के साथ अभी भी कुछ इश्यूज होंगे बिकॉज नो पॉलिसी इज़ परफेक्ट. कुछ ना कुछ चैलेंजेस हर चीज़ में होता है. सो आपको उसकी एनालिसिस करनी है. सो आप ऐसे 5-6 पॉइंट्स जो हैं आप उसको नोट डाउन करेंगे और देन यू विल हैव सम सजेशंस कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. तो एक जनरल फ्रेमवर्क मेंस के आंसर का यही होता है और आपको इसी के हिसाब से नोट्स बनाने हैं.
सो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, इंश्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट इट्स फीचर्स, अगर वो एप्लीकेबल है उस पर तो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, उसके लिए अभी तक क्या किया गया है और उसको कैसे सुधारा जाएगा, है ना। तो यही हमारे नोट्स होते हैं जो मेंस के लिए नीडेड हैं इन जनरल। अब हमारे नोट्स में एक्चुअली हम लिखेंगे क्या, ये आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमेशा बोला जाता है कि हमें कीवर्ड्स यूज़ करना है, तो कीवर्ड्स में हमें क्या लिखना है, ये कीवर्ड्स होते क्या हैं, ये पता कैसे चलेगा। सो बेसिकली अगर आप मल्टीपल रीडिंग्स करेंगे अपने रिसोर्सेज के, तो आप ये समझेंगे कि आप हर एक पॉइंट को जो है कुछ वर्ड्स में समराइज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ योर कीवर्ड। जैसे आप पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे अगर आप कोई पूछा जाए कि उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो यू कैन राइट इट इन टू वर्ड्स, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये होता है कीवर्ड। अगर कोई पूछे कि भक्ति लिटरेचर जो है, जैसे हमारे टाइम पर क्वेश्चन आया था नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर पे, सो आपको उसमें हमें ये याद रखना है कि अलग अलग सेंट्स ने क्या क्या लिखे हैं। अब तुकाराम ने अभंग लिखे थे, सो ये आपका एक तरीके से कीवर्ड हो गया कि तुकाराम्स अभंग्स। तो इस तरह के आपको नोट्स बनाने होते हैं। आपको कोई इशू किसी चीज़ के साथ, प्रॉब्लम, आपको एम्प्लॉयमेंट में कोई इशू दिखाना है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक कीवर्ड हो जाएगा। सो इसी तरह के आप जो है कीवर्ड्स, जब आप बहुत बार किसी रिसोर्स को पढ़ेंगे, तो आप सीख जाएंगे कि आपको किस तरह से चीज़ों को समराइज करना है। मान लीजिए एक रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी टॉपिक होता है, अब वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सिविल सर्विसेज के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आप एक्चुअली जो है अपने 4-5 पॉइंट्स को कीवर्ड्स में समराइज कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट्स है, दे आर एलियनेटेड फ्रॉम पीपल, सो एलियनेशन आपका कीवर्ड है। सो पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी जो है आपस में मिलके जो है करप्शन में इन्वॉल्व है, सो दिस बिकम्स अ पॉइंट। तो इसी तरीके से जो है आपको नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड्स को यूज़ करना है। सो आई थिंक इससे ज़्यादा तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊँगी, जब आप खुद से पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कीवर्ड्स एक्चुअली में सिलेक्ट कैसे करना है। उसके अलावा नोट्स में क्या डाला जाता है, सो आपको हर एक पॉइंट जो आपने किसी इशू को कवर करने के लिए बनाया है, उसको आपको किसी चीज़ से सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी आपने करंट अफेयर बुकलेट में आपने कोई डेटा पढ़ा हो, मान लीजिए कोई आपने आपसे लैंडस्लाइड्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर आपको पता है कि GSI ने कहीं पर बोला है कि 12% ऑफ द कंट्री इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, तो आप वो लिखेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू राइट कहीं पर आपको ये पॉइंट लिखना है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, आपको क्लाइमेट चेंज दिखाना है, तो प्लीज़ यूज़ सम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का रिपोर्ट हो गया या फिर IPCC की रिपोर्ट हो गई, उसका जो डेटा है वो आप अपने नोट्स में डालेंगे। सो एवरी पॉइंट नीड्स टू बी सब्सटैंशिएटेड विथ सम डेटा, कोई भी इंटरनेशनल जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई फाइंडिंग होगी या फिर कोई कमिटी की रिपोर्ट होगी, सो इससे आप हमेशा सब्सटैंशिएट करें जब आपका बेस पॉइंट्स प्रिपेयर हो गया है। सो मान लीजिए और जहाँ पर आपके पास इन रिसोर्सेज से काइंड ऑफ कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, प्लीज़ रिवर्स इंजीनियर। रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, आप उस एस्पेक्ट को गूगल कर लीजिए। जैसे मुझे याद है कि मेरे बेस नोट्स में जब मैंने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया था, तो स्पेसिफिकली एक पॉइंट आता है उसमें कि देर आर मैनी NGOs जो कि फेक होते हैं और वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स को बस लेने के लिए एग्जिस्टेंस में आते हैं। सो इस पॉइंट को मैंने गूगल किया, तो मुझे एक बहुत अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ WCD की रिपोर्ट मिल गई, जिसमें बताया कि 2015-16 में जो उनसे एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए पैसे लेने के लिए जो NGOs आए थे, उसमें से 90% जिन्होंने सबमिट किया वो फेक निकले। सो इस तरह का वेरीफाइड सोर्स का डेटा आप आराम से सर्च कर सकते हैं और उसको अपने नोट्स में डाल सकते हैं। सो एसेंशियली फाइनली हमारे नोट्स में क्या होता है, यही जो मैंने 4-5 कीवर्ड्स बताए थे पहले, फीचर्स, पॉजिटिव, सिग्निफिकेंस, नेगेटिव्स, ये सब, और इन सब को सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई पॉइंट जो कि डेटा, कमिटी या कोई भी करंट इश्यू भी जो आपने पढ़ा है वो हो सकता है। Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts?
one can easily secure 130 to 140 marks. Luqman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer three types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Luqman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. अब प्रॉब्लम्स आती हैं मोस्टली आई थिंक GS1 वगैरह में कि मॉडर्न हिस्ट्री में नोट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाए जाएंगे. सो वहाँ पे थोड़ा अलग चलेगा. वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें क्या क्या हुआ वो आपके जो है वो कवरेज जो है आपकी नोट्स में आएगी. मान लीजिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात चल रही है तो उसमें जो नो टैक्स कैंपेन चल रहा है, कहीं पर सेंट्रल प्रोविंसेस में ट्राइबल्स का जो मूवमेंट चल रहा है, ये सब को आप स्पेसिफिकली अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इतनी ही कवरेज मोस्टली रिक्वायर्ड होती है. प्लस बी अवेयर ऑफ द क्रोनोलॉजी कि कौन से पीरियड के बाद स्पेसिफिकली जब आर्ट एंड कल्चर के सवाल आते हैं कि अकबर के टाइम पर मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हुआ, मुगल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था पेंटिंग्स में, तो उसमें हर एक एम्परर ने क्या क्या किया, तो वो बहुत शॉर्ट में आपको जो है नोट्स पता होना चाहिए. और जैसे मैंने पहले भी किया, यूज़ कीवर्ड्स, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलनी है, इस तरीके की कोशिश हमेशा करनी है. सो जैसे यही मुगल पेंटिंग्स की बात करनी है तो हमें बताना है कि ठीक है अकबर के समय पे ये दो पेंटर्स रहे थे, एक दो पेंटिंग्स का नाम हमें पता होना चाहिए, और कोई फोरशॉर्टनिंग प्रिंसिपल जो यूज़ होना स्टार्ट हुआ तो इट्स अ वेरी डिस्टिंक्ट थिंग जो उस टाइम पर स्टार्ट हुआ, तो ये हमारे नोट्स में आएगा. एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू फॉर नोट मेकिंग. नोट्स कोई आसमान से या फिर कोई अलग चीज़ नहीं होती है, दिस इज़ अल्टीमेटली द फॉर्डर मटीरियल फॉर योर आंसर्स. सो जैसे आपके आंसर्स दिखते हैं वैसे ही आपके नोट्स बनने हैं. इस और फ्रॉम द स्टार्टिंग इट सेल्फ बहुत अच्छे नोट्स नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो जाती है तो हम सब चीज़ नोट डाउन करने लगते हैं. बट ओवर द टाइम जो है वो अपने आप नोट्स को छोटा करना शुरू करेंगे. व्हेन यू विल गिव मोर मॉक टेस्ट्स, व्हेन यू विल रिवाइज दैट कंटेंट, अ लॉट ऑफ टाइम आपको लगेगा रिविजन के बाद जो है कि आप बहुत सारी चीज़ों को रिटेन ऑलरेडी कर पा रहे हैं तो उसको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने चीज़ों को काटना शुरू कर देंगे. और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शायद जो हमने नोट्स में लिखा था उसकी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसको आप हटा सकते हैं. अब नाउ स्पेसिफिकली आई विल लाइक टू फोकस ऑन करेंट अफेयर्स कि करेंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है जिसका नोट्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो प्लीज़ यूज़ द मेंस का सिलेबस फॉर दिस. मेंस के सिलेबस के टर्म्स पर आप कोई भी ऑनलाइन ऐप में ऑनलाइन नोट्स बनाती थी, ऑफलाइन मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करती हूँ बिकॉज फिर एक नोटबुक्स का पाइल बन जाता है जिसको आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा. सो इट्स बेटर कि आप जो है ऑनलाइन ही नोट्स बनाइए. नोट्स को ढूंढना आसान होता है, प्लस अगर आपने कुछ ऑलरेडी लिख रखा है तो आप उसको फिर से नहीं लिखेंगे, उस चीज़ उससे रिलेटेड कोई और नई चीज़ आ रही है तो आप उसी पेज में उसको डाल पाएंगे. तो इसके लिए मैंने एवर नोट यूज़ किया था. आप एक सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. सो आप वही मेंस के टर्म्स के सिलेबस को एक पेज पे लिखिए. उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में कुछ भी छपता है या फिर करंट अफेयर बुकलेट में अगर कुछ भी आता है तो वो उसी पेज में नोट डाउन कीजिए. इससे बाद में रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है. एक जगह पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा और आपके बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनेंगे. अब प्रिलिम्स और मेंस के बीच में हमें क्या करना है कि जो हमारे स्टैटिक नोट्स थे और करंट के नोट्स थे उनको आपस में रिलेट करना है ना. सो स्टैटिक में हमने बेसिक नोट्स जो कि किसी इशू का बैकग्राउंड है उसको कवर किया था. अब जो करंट अफेयर्स पिछले एक डेढ़ साल में जो उससे चीज़ें रिलेट हुई, क्या हम उन एस्पेक्ट्स को अपने आंसर्स में डाल सकते हैं. तो मान लीजिए मैंने कोई भी इशू पढ़ा पर उस इशू से रिलेटेड कुछ पिछले साल में अगर हो गया तो मैं उसको एज एन एग्जाम्पल वहाँ पर डाल सकती हूँ. तो आप ये काम जो है प्रिलिम्स और मेंस के बीच में अच्छे से कीजिए, वेयर यू आर इंटीग्रेटिंग योर स्टैटिक नोट्स विथ योर करेंट अफेयर्स का नोट्स. तब आपके पास प्रॉपर जो आंसर्स लिखने लायक नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड 10 डेज बिफोर मेंस
आई वुड एडवाइस कि अब आप थोड़े से और छोटे नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए फॉर हैंडी रिविजन. डोंट फोकस ऑन सम जेनेरिक टर्म्स जिनको जो जनरल पॉइंट्स हैं किसी इशू का जो एनालिसिस करने में जो प्रॉब्लम्स आप खुद सोच सकते हैं उनको मत लिखिए. जो कमिटी या फिर डेटा वाले टाइप की चीज़ें हैं या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस तरह की चीज़ों को एक पेज पर नोट डाउन कीजिए एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स ताकि वो भूलने वाली चीज़ जो है आप पेपर में लिख के आइए. जनरल पॉइंट्स आपको याद आ जाएगा. आपने अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी का अच्छे से एनालिसिस किया है तो आपको पता होगा कि आप उसको उस पॉलिसी को देखकर आपको मोस्टली पॉइंट्स याद आ जाएंगे. याद नहीं आएगा कोई स्टैटिस्टिक या फिर कोई कमेटी का नाम, तो इन चीज़ों को आप एक पेपर पे लिख के रिवाइज कीजिए. अदरवाइज बहुत ज़्यादा कोई टीडियस प्रोसेस नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है नोट्स बनाना. डे वन से हमें आइडिया नहीं लगता है कि एक्चुअली में क्या लिखना है, तो पहले आपको अगर अच्छे नोट्स बनाने हैं तो कुछ ख़राब नोट्स बनाने पड़ेंगे. मेरे बताने के बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके नोट्स अच्छे हैं या ख़राब हैं, पर इस प्रोसेस से डरिए मत. आप नोट्स बनाना स्टार्टिंग से शुरू कीजिए. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए. आपको सब्सिक्वेंटली पता चलता रहेगा, आपके नोट्स इम्प्रूव होंगे एंड बाय द एंड ऑफ द टाइम आपको बेसिकली आपके प्रॉपर नोट्स जो आपको रिविजन में काम आएंगे वैसे तैयार हो जाएंगे. एंड डेफिनेटली नोट्स बनाकर उसको सिर्फ छोड़ नहीं देना है, उसको रिवाइज करते रहना है, तभी आपके जाके जो नोट्स हैं वो बहुत इम्प्रूव होंगे. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल. ये इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. सो इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, नोट मेकिंग इज़ नॉट समथिंग विच यू नीड टू वरी अबाउट. जस्ट बी कम्फर्टेबल विद द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सी द प्रीवियस आंसर्स, द प्रीवियस टॉपर्स के जो आंसर्स आते हैं उनको अच्छे से देखिए एंड कंटिन्यू टू परसिस्ट इन दिस प्रोसेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.